हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे EMI का ये पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर है आणि हवा भरने के लिए, साइकिल हो, फुटबॉल हो या अदर पार्ट्स में जो भरने के लिए जिसमें हवा से वो काम चलता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। ये यूजर मैनुअल गाइड है जिसको आप भली भांति इसमें पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इसमें इसका काम है, कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर देख लेते हैं क्या क्या कंटेंट मिलता है, उसके बाद फिर इसके बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये डिजिटल है तो डिजिटल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं फ्रेंड्स, एक देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद एयर कंप्रेसर, ये है प्लास्टिक बॉडी का आता है लेकिन हैवी है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे होंगे निडिल एडाप्टर है जो आपको फुटबॉल में भरने में काम आएगा हवा, और ये जो है एडाप्टर है जो आपको इसमें लगा करके, उसके बारे में भी बताएंगे। और एक माइक्रो USB केबल भी इसमें मिलता है छोटी सी, आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स इस तरह से इसमें मेंशन किया गया है। थोड़ी सी बहुत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 3000 इसमें 3499 रुपया का है, लेकिन ये 2200, 2300, 2400, 2500 जैसा ऑफर रहता है उस अनुसार से मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा जहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। और यह जो है 5 वोल्ट्स और 2 एम्पियर से यह जो है चार्ज होता है। 2000 mAh बैटरी है जो आपको लगभग 3 घंटे में ये चार्ज हो जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये इस तरह का पाउच मिलता है कैरी करने के लिए, जो आसानी से आप इस एयर कंप्रेसर को इसमें डाल करके आप रख सकते हैं और इसे कैरी कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड आपको इसमें आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से। इसके बाद फिर बताते चलें कि इसमें जो निडिल एडाप्टर दिया गया है उसको भी इस बैग में रखने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, यहाँ पे भी आप रख सकते हैं ये निडिल वाले का और फिर ये एडाप्टर को। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये प्लास्टिक बॉडी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइक्रो USB से यहाँ पे चार्ज पॉइंट दिया गया है। फिर यहाँ पे हवा खींचता है जिससे यहाँ से हवा भराता है, और फिर ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ प्लस माइनस और ये लाइट के लिए दिया गया है और ये अप डाउन करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे यदि हम इसको ऑन, सबसे पहले इसको प्रेस करके घिसते हैं तो ये इस तरह से डिजिटल स्क्रीन हमें खुल जाता है जो, और यहाँ पे ये टॉर्च दिया गया है, देखिए फ्रेंड्स ये आपका एक प्रेस में यहाँ से जल जाता है मेरे उंगली के सामने, आप देख पा रहे होंगे, और एक प्रेस में हम करेंगे तो ये बंद हो जाता है। इसके बाद प्लस माइनस दिया गया है और ये आपको एडजस्ट करने के लिए इधर बटन था, बीच में स्विच ऑफ ऑन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पुशअप करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है जो बैटरी, यदि इसको पुशअप करके डाल देते हैं तो आपको ऑटोमेटिक है जो ये बंद हो जाता है। इसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि कैसे हवा भराता है। हमारे पास अभी बैलून है जिससे हमें अभी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये स्क्रीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आप देख पा रहे होंगे कि यदि इसको ओपन किए हैं तो यहाँ पे एक लाइट जल गया है। इसके बारे में इंडिकेटर के बारे में भी जानकारी हमें प्राप्त होगा कि ये चार्जिंग किस प्रकार से लेता है। तो सबसे पहले ये रेड यदि यहाँ पे जलता है तो समझिए कि ये 20% से कम चार्ज है, और यदि ये आपका ये 20% से, ये आपका 20% से 50% रहता है तो ऑरेंज लाइट जलेगा, तो समझिए 20% से 50% चार्ज है, और वाइट जल गया तो समझिए 85% से ऊपर है यानी 100% तक। तो ये समझ में बात आ गई हुई होगी फ्रेंड्स कि इसका जो डिस्चार्जिंग जो लाइट है किस तरह से जलेगी। रेड रहेगा तो 20% से नीचे, 20 से और 50 के बीच से ऑरेंज जलेगा, और 50 से ऊपर रहेगा तो आपको वाइट जलेगा, अभी वाइट है यानी 50% से ऊपर है। इसके बाद ये स्क्रीन को सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड कि इस तरह का स्क्रीन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो ये बाइसिकल का देखिए इंडिकेट आ गया है, और यहाँ 45 ये ब्लर कर रहा है, इसका मतलब 45 जो बाइसिकल ये डिफॉल्ट सेटिंग किया गया है, और इससे ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी हो सकता है। फिर दूसरा देखें फ्रेंड, ये मोटरसाइकिल का इंडिकेट दिखाया गया है जिसमें 2.4
बार, यहाँ पे बार दिख रहा होगा, यानी हवा का जो है PSI और बार दोनों में हम नापते हैं। और तीसरा जो है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कार का, तो यहाँ पे 2.5 बार जो है ये ऑटोमेटिक, यदि इतना आ जाता है तो ऑफ हो जाएगा। और फिर आपका फुटबॉल है तो आपका 8 PSI तक ये जो है फुल चार्ज होने में लेगा, लेकिन आप इसको ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे आप भर सकते हैं हवा 10, 11, 12 जितना पर चाहेंगे आप सेट करके, और इसको इस तरह से ऑन कर लेंगे और ये आपका उतना 11 आने के बाद स्क्रीन पे 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 आएगा और आपका फुल चार्ज हो जाएगा और ऑटोमेटिक ये जो है बंद हो जाएगा। और इस तरह से आप हवा को भर सकते हैं। तो हम लोग अभी एक बैलून का टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की जानकारी हमें प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगा देंगे फ्रेंड्स, और इसको यहाँ पे पकड़ लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से बटन को देखिए, पहला में आया ये आपका बाइसाइकिल, सेकंड में आपका मोटरसाइकिल, थर्ड में आपका कार, और फोर्थ में आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे ये फुटबॉल का आ गया, यहाँ PSI में दिखा रहा है। तो ये आपका देखिए ये 8 पे सेट हो गया, आप इसको 9 पे भी सेट कर सकते हैं, इस तरह से 9 पे सेट करना है, 10 पे सेट करना है, और इसको स्टार्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे इस तरह से, ये देखिए, और यहाँ पे स्क्रीन पे 0, 1, 2, 3, 4 नहीं दिखा रहा है, तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यदि टायर में आप डालेंगे या फुटबॉल में, क्योंकि इसमें प्रेशर कम है इसके लिए ये नहीं बता रहा है, यदि फुटबॉल में ये डालेंगे या बाइसाइकिल में या मोटरसाइकिल में तो प्रेशर वहाँ 1, 2, 3, 4 बताएगा, और 10 तक सेट किए थे तो 10 आकर के वो खुद ऑफ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए आप बैलून को या फुटबॉल को फुला सकते हैं, और इसको कैरी करना बहुत ईजी है, क्योंकि ये जो है लाइट वेट है, आप इसे बैग में कहीं बाहर जाते हैं तो आप आसानी से इसको ले जा सकते हैं। और चार्ज करने के लिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ये ब्लिंक करेगा लाइट चार्ज करने पे। तो सबसे पहले हम लोग एक मोबाइल का चार्जर ले लेते हैं, ऐसे 5 वोल्ट से चार्ज करने की कहते हैं, लेकिन 10 वोल्ट से भी आप चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले लगा देते हैं, और इसका पीछे का माइक्रो USB से ये चार्ज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं, इसके बाद ऑन करते हैं स्विच को, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे वाइट जल रहा है, अब ब्लिंक कर रहा है, देखिए फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, स्थायी रूप से देखेंगे, देखिए ये बंद हो गया और चालू, इसका मतलब है कि ये चार्ज हो रहा है, चार्जिंग में है, और यदि ये बंद हो जाता है तो समझिए कि फुल चार्ज हो गया, डायरेक्ट जलना बंद चालू हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा मतलब कि फिर बंद नहीं होगा, तो समझिए कि फुल चार्ज हो गया। तो आप चार्जिंग के बारे में समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपका जो लाइट है, आपने लाइट के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया कि 20% से नीचे रहेगा तो रेड जलेगा ये, और आपका 20 से 50 रहेगा तो ऑरेंज जलेगा, और वाइट यदि जलता है इस तरह से तो आपका 50% से ऊपर हो जाएगा। और इसको ऑटोमेटिक है, जब इसको आप लगा देते हैं पुशअप करके तो ये ऑटोमेटिक जो है ये बंद हो जाता है, और बैटरी के नहीं, 2000 mAh की बैटरी का 3 घंटे आपको चार्ज करने में लगेंगे। इसका फ्लिपकार्ट पे आपका 3 महीने का वारंटी अभी दे रहा है, लेकिन ये वारंटी का पूरा श्योर नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 महीने की वारंटी फ्लिपकार्ट पे मिल रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक रहेगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन या MI के साइट पर आप इसे खरीद सकते हैं। होप आई वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।